सभी आ गए पेट्रोल पंप में, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। गाइस ये लोग फर्स्ट टाइम क्लास करने जा रहा है आज कॉलेज दोनों। अभी हम लोग कॉलेज आ चुके हैं और जमील लोग भी सबको यहीं पे, बुआ भी है। कि अरमान ना रील्स देख रहा था, उसको रील्स में कौन सा वीडियो सजेस्ट, ये देखे गाइस कितना लंबा बाइक है भाई साहब। ये बाइक खरीदना होगा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 10, बाकी अभी हम लोग सबको जा रहे हैं कॉलेज। 10 नहीं, 11 बजने वाला है वैसे। और अभी मस्त सूरज निकला हुआ है और हम तैयार हो गए। बाकी वहाँ पे देख सकते हैं जमील को, जमील भी जा रहा है आज कॉलेज और अरमान भी जा रहा है। जैसे कि 11 बज गया और अभी क्लास का टाइम है, तो अरमान जल्दी जल्दी हो रहा है तैयार। बाकी मम्मी इसके लिए शर्ट निकाल करके दे रही है, कॉलेज वाला ड्रेस में पूरा रेडी हो चुके हैं। कुछ कॉलेज में ऐसा पहन के जा रहे हैं, अंदर में व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन लिया, ऊपर में ये वाला शर्ट और नीचे ब्लैक जींस, ब्लैक ही ब्लैक जींस है मेरे पास और कोई जींस का कलर नहीं है। चलिए अभी चलते सीधा कॉलेज। सीन ये हो गया कि स्कूटी में फ्यूल नहीं है, तो स्कूटी में फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा और चाबी ले चुके हैं, चलिए चलते हैं। ये रही मुन्नी, हमें मुन्नी नहीं गई खाने के लिए कुछ, और ये रही मुन्नी के बच्चे लोग, मम्मी घर में पोछा लगा रही है। और हाँ गाइस, सारा वाजी सुबह ही चली गई कॉलेज क्योंकि उसका एग्जाम था, तो उसको पापा लेकर के चले गए कॉलेज। बाकी बुआ लोग को भी साथ जाना है कॉलेज, तो पहले जमील लोग को पहुंचा देते हैं आधा दूर और फ्यूल भी डलवाना है, तब हम फ्यूल डला के आते हैं और फिर बुआ लोग के साथ जाएंगे कॉलेज। तो चलिए अभी चलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली जा रहे फ्यूल डलवाने के लिए। बाकी आप एक चीज गौर करिए कि जैसा मेरा शर्ट का कलर है ना, वैसा सेम अरमान का भी है, मतलब थोड़ा सा चेंज है, जमील का भी है। देखिए सब का एक जैसा ही है, सब कुछ भी अलग नहीं है ज्यादा, हम लोग तीनों एक ही जैसा पहन के जा रहे हैं। तो अभी चलिए सीधे चलते हैं फ्यूल डलवाने, सामने रहा पेट्रोल पंप और धान भी बड़ा बड़ा हो गया। ये देखिए अब कुछ दिन में गाइस ठंडा आ जाएगा, बरसात भी खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर से ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अक्टूबर से ही बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलिए आज चलते कॉलेज क्योंकि बहुत दिन के बाद जा रहे हैं, सीधा चलते पहले फ्यूल डलवाते फिर निकलेगा कॉलेज। तो गाइस सभी आ गए पेट्रोल पंप में, यहाँ से पेट्रोल डलवाते फिर निकलेंगे। क्या तो लोग दोस्त का नंबर ले लेगा आज, गाइस ये लोग फर्स्ट टाइम क्लास करने जा रहा है आज कॉलेज दोनों, वैसे हम तो कभी किए नहीं क्लास, इसलिए फ्यूल लेते हैं। अभी हम लोग कॉलेज आ चुके हैं और जमील लोग भी सबको यहीं पे, बुआ भी है, और अभी बुआ जेरोक्स करवा रही अपने डॉक्यूमेंट्स क्योंकि बुआ को भी कुछ लेना है यहाँ से कॉलेज से। क्या लेना आपको? लिविंग सर्टिफिकेट, तो उसी के लिए बुआ बोले ना प्रोविजनल है। अरे वो नहीं, तो वही बुआ ले रही है यहाँ से, और बाकी अरमान लोग यहाँ पे क्लास करने आया था और कर लिया क्लास, कर लिया जमील। अच्छा इन लोग को कुछ बहुत देर पहले ही छोड़ के गए हुए थे, बाकी बुआ लोग को वापस लेने गए और फिर इन लोग उतना देर में क्लास भी कर लिया। इन लोग का भी शायद हाफ टाइम हुआ, दूसरा सर बैठेंगे तब इन लोग दूसरा क्लास करेगा। बाकी अभी कॉलेज घूमते हैं और करते हैं बुआ का काम। फाइनली कॉलेज आ गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, आप टाइम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं 3:30 बजने चला और अभी आए। सलमान भी अभी आकर के खाना खा रहा है, चले हम भी खाना खाने। बाकी इन लोग दोनों को देख सकते हैं। अरे क्यों निकाला था इसको अरमान, सूखने के लिए? कौन इसमें पेशाब किया था? बकरी गाइस, इसके ऊपर बकरी पेशाब कर दी, जिसके वजह से इसको बाहर निकाला, सूख जाए धूप में, बट निकाला है धूप में सूखने के लिए और बारिश होना स्टार्ट हो गया। बारिश भी होने वाला है, चले अब हम खाना खाने, खाना खाने के बाद फोन भी चार्ज करना है, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी खाना, तो अभी हम चले खाना खाने और तब तक बारिश भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर फोन भी चार्ज करना है, फोन चार्ज करते खाना खाते फिर ब्लॉग भी एडिट करना है, फिर अपलोड भी करना है। कॉलेज गए, ब्लॉग एडिट नहीं कर पाए, वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया। अब एडिट भी करना है, फिर खाना भी खाना है, चार्ज भी करना है और वीडियो भी अपलोड करना है, तो चलिए करते सब कुछ। तो गाइस उस टाइम पे दोपहर में ब्लॉगिंग किए थे कॉलेज से आने के बाद 3 बजे के आसपास, बाकी अभी वापस से ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। और मम्मी यहाँ पे आटा सान रही थी, बाकी मम्मी अभी बाहर चल गई चूल्हा लाने, रोटी बनाई गई अभी मम्मी। और अभी फूफा और अरमान गए थे मार्केट के साइड, उधर से समोसा वमोसा चौक वोप लेकर आए, तो चलिए अभी पार्टी होगा, समोसा पार्टी और मुढ़ी पार्टी, तो चलिए करते अभी। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लाए हैं फूफा घुगनी, घुगनी सिंघाड़ा, प्याजी, प्याजी चौप चौप, यही सब अरमान और फूफा गए थे लाने के लिए, तो चलिए अभी हम लोग खाते स्कोर करते पार्टी, मुढ़ी लेकर के आऊँ। प्याज काटने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है क्योंकि पहले मेरा प्याज का दुकान था। अभी देखिए कैसे अरमान पकड़ेगा और हम प्याज काटेंगे। अरे यार छुरी खतरनाक है, ऐसे काटा जाता है प्याज। अब देखिए एक एक प्लास्टिक उखाड़ेंगे, मतलब प्लास्टिक नहीं, इसका एक कपड़ा उतार दें तो छिलने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखिए हम कितना स्पीड प्याज काटेंगे, इसको ना पहले 2 टुकड़ा में कर देना है। अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो गाइस बुआ लोग कल जा रही है दुमका, तो गाइस देखिए ऐसे कुछ प्याज काटे हम, देखिए कितना अच्छा काटे, एक जरा सा भी बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। ये देखिए जमीन लेकर के आए मुड़ी, मुड़ी बनकर के रेडी, और अभी हम मस्त प्याज काटे जिसकी वजह से मुड़ी इतना अच्छा दिख रहा, तो चलिए अभी खाते हैं। अब कोई हम लोग यहाँ पे बस सलमान और मोनू नहीं है, छोड़ी उन लोग खेलने गए तो क्या ही कर सकते, तो अभी हम लोग खाते हैं।
मोनू ट्यूशन गया है, सलमान खेलने गया। हम लोग उस टाइम पे मस्त समोसा वमोसा खाए, बाकी अभी खाना खाने का टाइम हो गया क्योंकि 8:30 बजने चला और मम्मी खाना लेकर के आ गई है। और खाने में आज बना है आलू का सब्जी, अंडा, रोटी। चले गाइस अभी खाना खाते हैं, बाकी सबको फोन चला रहा है। और हाँ गाइस, आज 12 बजे से बिग बिलियन डे चलने वाला है, तो सारा बाजी फुल शॉपिंग करने में लगी हुई है। अच्छा अच्छा चीज सेलेक्ट करके रखेगी, एक टू कार्ट करके। बाकी जैसे बिग बिलियन डे स्टार्ट होगा, सारावाजी शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या आज को मैंने मोबाइल से पीपा मोबाइल डिलीट करके फ्लिपकार्ट डाउनलोड कर लिया। क्या करेगा, तेरे पास पैसा है जो डाउनलोड करके रख। सो गाइस अभी मस्त खाना पीना खा ले, बाकी अभी ब्लॉग को भी एंड करना। उससे पहले आप सभी लोगों को मस्त चीज दिखाते हैं। और कल जमील चल जाएगा बुधवाचक, मोनू भी चल जाएगा कल बुधवाचक, बुआ चली जाएगी दुमका, फूफा चले जाएंगे वापस से घर अपना। अभी घर में कल कोई भी नहीं रहने वाला है। और यास्मीन यहाँ पे रील्स बना रही है, आप देख सकते हैं। अरे अभी रुको, कॉपीराइट आ जाएगा, रुको रुको रुको, कॉपीराइट आएगा। और गाइस देखिए एक चीज दिखाते हैं आप लोगों को, कि अरमान ना रील्स देख रहा था, उसको रील्स में कौन सा वीडियो सजेस्ट किया। ये देखिए गाइस कितना लंबा बाइक है भाई साहब। ये बाइक खरीदना होगा, क्या बोलता है, बना ले क्या मॉडिफाई, स्कूटी का मॉडिफाई करवा लेंगे, हम भी बैठ के जाएंगे, सब कोई बैठ सकता है गाइस, ये इतना लंबा बाइक है आप देख सकते हैं। चला क्योंकि सब एक बार में सब स्कूटी में चढ़ जाता है। अरमान बोल रहा है कि एक स्कूटी में 3 लोग जा सकते हैं, बट अगर इस टाइप का बाइक मॉडिफाई करवा लिया स्कूटी को मॉडिफाई, तो एक बार में पूरा फैमिली चला जाएगा, गजब का बता रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।